पंजाब पुलिस के लिए दाल चावल। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। पंजाब की पुलिस पर मबनी फिल्म दाल चावल रिलीज हुई, जिसमें पुलिस एहलकारों की जिंदगियों के वो पहलू दिखाए गए हैं जो अब तक लोगों की नजरों से ओझल हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस फिल्म का नाम दाल चावल ही क्यों रखा गया। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म दाल चावल के प्रोड्यूसर, मुसन्निफ और म्यूजिक डायरेक्टर अकबर नासिर ने फिल्म के अनुमान के हवाले से बताया कि इन्होंने ये फिल्म नौजवानों की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बनाई है। अकबर नासिर ने कहा कि अगर हमारे नौजवानों को मुकम्मल तौर पर सहूलियात मुयसर हो जाएं तो वो मुल्क के लिए असासा हैं, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से नौजवान गलत हाथों में चले जाते हैं। इसी वजह से फिल्म का नाम दाल चावल रखा गया है। और दूसरी वजह यह भी बताई कि फिल्म को बहुत ही सादा अंदाज में बनाया गया है, फिल्म को बड़े पैमाने पर नहीं बनाया गया और हमारी ज्यादातर तवज्जो फिल्म में हकीकी जिंदगी को दिखाना है। फिल्म के प्रोड्यूसर अकबर नासिर ने फिल्म दाल चावल की कहानी से मुतल्लक बताया कि फिल्म की कहानी तो ऐसे पुलिस अहलकारों पर मबनी है जिनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर मंशियात फरोशों के एक गिरोह के हाथों कत्ल हो जाता है, जबकि दूसरी जानब एक डिप्टी सुप्रीडेंट इस वक्त एक खुदकश बमबार हमले का निशाना बनता है, जब वो लाहौर की एक शहरा पार मजारी के दौरान अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा होता है। इन्होंने बताया कि फिल्म दाल चावल को इसी हकीकी जाए वकूफ पर बनाया गया है जहां ये वाकयात पेश आए थे। इन्होंने कहा कि हर मुल्क में मुल्क की पुलिस को एक मुस्बत किरदार में दिखाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में पुलिस को वो मकाम हासिल नहीं। खास तौर पर पंजाब पुलिस का मुल्क भर में इंतहाई बुरा रिकॉर्ड मौजूद है। इनका कहना था कि दाल चावल में वो पंजाब पुलिस को एक मुस्बत अंदाज में दिखाएंगे जैसे एक कानून के महाफिज को दिखाया जाता है। इस फिल्म की कास्ट में अहमद सुफियान, मोमिना इकबाल, शफकत सीमा, सलमान शाहिद के अलावा दीगर अदाकार भी शामिल है। वाजे रहे कि गुज़श्ता महीनों से पंजाब पुलिस को शदीद तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वजह पुलिस अहलकारों का हिरासत में लिए गए मुलजमान पर तशद्दुद और इनके बाद इनकी हलाकतें हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस का बुजुर्गों और खवातीन के साथ गैर अखलाकी रवैया है। आपका दाल चावल के बारे में और पंजाब पुलिस के बारे में क्या राय है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।